जहीं दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टूरिज्म इज लाइफ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। खाटू श्याम बाबा में लोगों की इतनी श्रद्धा और आस्था है कि हर दिन खाटू श्याम में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लगी रहती है और वीकेंड और छुट्टियों के दिनों में तो ये संख्या 1,00,000 से ज्यादा भी हो जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम यात्रा की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि खाटू श्याम कैसे पहुंचा जाए, खाटू श्याम में रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधा है, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कैसे करें, साथ ही खाटू श्याम में आप और कहां कहां पर घूमने जा सकते हैं और खाटू श्याम की एक प्यारी सी यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी कभी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको खाटू श्याम की यात्रा प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो खाटू श्याम यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा के दरबार खाटू श्याम कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप ट्रेन से खाटू श्याम आना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन खाटू श्याम के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन के लिए आ सकते हैं। रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर पड़ जाती है और रिंगस जंक्शन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें आप 50 से 60 रुपए देकर खाटू श्याम मंदिर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी सिटी से डायरेक्ट रिंगस जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप बाई ट्रेन राजस्थान की कैपिटल जयपुर आ सकते हैं। जयपुर के लिए आपको इंडिया के हर एक मेजर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके बाद जयपुर पहुंचने के बाद जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाती है और जयपुर से रिंगस जंक्शन के लिए रोजाना 4 से 5 ट्रेन चलती है। तो आप बाई ट्रेन जयपुर आ सकते हैं और फिर जयपुर से अपनी ट्रेन चेंज करके रिंगस जंक्शन तक आ सकते हैं। नहीं तो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास में बने सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम बाबा के लिए डायरेक्ट बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप मात्र 80 से 100 रुपए देकर जयपुर बस स्टैंड से खाटू श्याम बस स्टैंड तक आ सकते हैं और खाटू श्याम के बस स्टैंड से खाटू श्याम मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर पड़ जाती है। इसी के साथ अगर आप किसी और सिटी से खाटू श्याम बाई बस आना चाहते तो खाटू श्याम के लिए हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की कई सारी सिटी से डायरेक्ट बस भी चलती है, जिसमें आप बड़ी आसानी से खाटू श्याम मंदिर तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर खाटू श्याम आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। खाटू श्याम के लिए काफी अच्छे रोड मौजूद है और खाटू श्याम में पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से खाटू श्याम आना चाहते हैं तो खाटू श्याम का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर का है, तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम खाटू श्याम नगरी पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे। तो ऑटो और टैक्सी वाले आपको खाटू श्याम मंदिर से थोड़ी दूरी पर ड्रॉप करेंगे, वहां से आपको पैदल चलकर ही खाटू श्याम मंदिर तक आना होगा। लेकिन कहीं सारे भक्त 5 से 10 किलोमीटर पहले से ही अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं और पैदल पैदल खाटू श्याम मंदिर तक पहुंचते हैं, और कहीं सारे खाटू श्याम जी के भक्त तो अपनी पूरी पैदल यात्रा करके ही खाटू श्याम मंदिर तक आते हैं। इसलिए खाटू श्याम मंदिर से 10 से 15 किलोमीटर पहले ही आपको खूब सारे भक्त पैदल यात्रा करते हुए मिल जाएंगे, जो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से अपनी पैदल यात्रा करके बाबा के धाम पहुंचे हैं। और खाटू श्याम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले खाटू श्याम का प्रवेश द्वार भी लगा हुआ है, जिसमें जय श्री श्याम लिखा हुआ है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है। खाटू श्याम में आने वाले सभी भक्त सबसे पहले इस प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और फिर आगे मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, मंदिर तक पहुंचने के बाद आपको दर्शन करने के लिए मंदिर में लगी बैरिकेडिंग में लाइन में लगना होगा। लेकिन लाइन में लगने से पहले ही आपको बाहर अपने जूता, चप्पल वगैरह किसी दुकान वगैरह में रखने होंगे। इसके बाद आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं और आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड वाली बैरिकेडिंग में दर्शन के लिए जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली बैरिकेडिंग से खाटू श्याम जी के सबसे नजदीक से दर्शन होते हैं। इस समय खाटू श्याम में भीड़ को कम करने के लिए खाटू श्याम मंदिर के बाहर काफी बड़ा एरिया बनाया गया है, जिसमें काफी सारी बैरिकेडिंग लगाई गई है।
लेकिन इससे पहले यहाँ पर काफी कम जगह थी, इसीलिए यहाँ पर भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ हो जाती थी। लेकिन अब बैरिगेटिंग बनने के बाद दर्शन में काफी ज्यादा आसानी होती है। अब हम दर्शन करने के लिए बैरिगेटिंग में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी भी बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम के बेटे घटोरगस के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक काफी विद्वान और शक्तिशाली थे, जो अपने दम पर किसी भी युद्ध को जिताने की ताकत रखते थे। इसलिए महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि तुम युद्ध में किसकी तरफ से लड़ोगे, तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो ये युद्ध हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को युद्ध में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश किया और बर्बरीक से दान लेने के लिए पहुंच गए। बर्बरीक भी काफी बड़ा दानी था और श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उसका शीश दान के रूप में मांग लिया और बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान में दे दिया। तब श्री कृष्ण जी अपने असली वेश में आए और बर्बरीक के दान से खुश होते हुए कहा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी ख्याति पूरी दुनिया में बढ़ती जाएगी। और श्री कृष्ण जी ने अपना श्याम नाम भी बर्बरीक को देते हुए कहा कि कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे और आज हम उन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। खाटू श्याम बाबा का ये मंदिर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है, जिसमें दर्शन करने के लिए हर साल करोड़ों भक्त आते हैं। आप बैरिगेटिंग से आगे बढ़ते हुए खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। सबके पालनहार और दुखों को हरने वाले खाटू श्याम जी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दर्शन करने के बाद आप पीछे के गेट से बाहर आ जाएंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाटू श्याम मंदिर में किसी भी प्रकार की प्रसादी नहीं चढ़ाई जाती है। और बात करें खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के टाइमिंग की, तो खाटू श्याम जी का मंदिर 2400 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है, इसीलिए दिन और रात दोनों टाइम में यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। साथ ही होली से पहले खाटू श्याम में मेले का आयोजन भी किया जाता है। उस समय खाटू श्याम नगरी में भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो आप चाहे तो खाटू श्याम मेले के समय में भी आ सकते हैं। उस समय खाटू श्याम नगरी अलग ही भक्ति के रंग में रंग जाती है। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के बाद आप खाटू श्याम मंदिर के पास में बने श्याम कुंड में स्नान करने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से स्किन से जुड़े रोग काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं और इस कुंड में स्नान करने से कई सारे लोगों के कष्ट और रोग समाप्त हो गए हैं। तो आप भी इस कुंड में स्नान करने के लिए जरूर आए, आपके काफी सारे कष्ट यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आप खाटू श्याम मंदिर के पास में बनी मार्केट से खूब सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की मार्केट में आपको कहीं सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्ट्स के रूप में खरीद सकते हैं। और इसी मार्केट में आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर थाली लेते हैं तो थाली आपको 100 रुपए के आसपास में मिल जाएगी, जिसमें आपको दाल चावल रोटी और 2 सब्जी दी जाती है। बाकी आपको यहाँ पर खाने पीने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही अगर आप खाटू श्याम में रात रुकना चाहते हैं तो खाटू श्याम मंदिर के आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में खूब सारी होटल बनी हुई है, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 500 से 700 रुपए होती है, जो सीजन के अकॉर्डिंग और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 4 से 5 हजार रुपए तक भी जाती है। लेकिन नॉर्मली एक अच्छी होटल आपको 700 से 800 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप इससे सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप खाटू श्याम मंदिर के आसपास में बनी धर्मशालाओं में अपना नाइट स्टे बना सकते हैं। धर्मशाला में आप मात्र 300 से 400 रुपए देकर अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के आसपास में खूब सारी अच्छी और खूबसूरत धर्मशालाएं बनी हुई है, लेकिन ज्यादातर यात्री खाटू श्याम सुबह के टाइम में आते हैं और पूरा दिन खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने और घूमने के बाद शाम के समय में वापस अपनी सिटी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग शाम के समय में खाटू श्याम पहुंचते हैं वो यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं और दूसरे दिन आराम से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद फिर वापस अपनी सिटी के लिए जाते हैं। तो आप जैसे भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं आप वैसे यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि खाटू श्याम यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप खाटू श्याम सुबह में आते हैं और शाम तक दर्शन करके वापस निकल जाते हैं तो आपका खाटू श्याम यात्रा का खर्चा मात्र 500 से 600 रुपए तक आएगा। लेकिन अगर आप खाटू श्याम में रात रुकते हैं तो आपका खर्चा 1000 से 1500 रुपए तक आ सकता है। इस खर्चे में मैंने खाटू श्याम तक आने का खर्चा ऐड नहीं किया है,
क्योंकि वह सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, तो आने जाने का खर्चा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग खाटू श्याम यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको खूब ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द एक और नई यात्रा के साथ में, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।